नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल आप लोग देख ही रहे हैं, भारतीय संविधान संक्षिप्त में वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम। तो यस दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम्स के लिए, और इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में संक्षिप्त में हम बहुत सारी चीज़ें आपके साथ लेके आए हैं। और इस वीडियो के जस्ट बाद हम CRPC IPC धारा और इसके बारे में वीडियो लेके आएंगे। दोस्तों, आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, आप एक बार वीडियो को पूरा देखिए और तब आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम आपसे नहीं कहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको लगता है तो आप ये हमारे सपोर्ट के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको आपसे बताना चाहेंगे कि जैसे आप लोग पढ़ते तो होंगे, सब लोग जो ये वीडियो देख रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो इस पढ़ाई में है, ठीक है। तो दोस्तों, संविधान जो होता है, संविधान का जो है बेस क्या है, नींव कहाँ से आई और इसके बारे में। तो दोस्तों, भारतीय संविधान का विकास जो है वो हमारे जो ब्रिटिश शासन हमारे देश पे था वहाँ से इसका विकास हुआ है। तो कैसे, तो शुरुआत में सब जानते हैं आप, 1757 ईस्वी की पलासी की लड़ाई थी और जो 64 के ईस्वी की बक्सर का युद्ध था को अंग्रेजों द्वारा जीत लिया गया था। तो सबसे पहले कब, बंगाल पर, सबसे पहले बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ और इसी शासन के अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर एक्ट पारित किए थे, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, सेटलमेंट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर अधिनियम, ठीक है, भारत शासन अधिनियम, ये सब जो थे इन्हीं सब के हिसाब से ये जो एक्ट पारित हुए थे यही भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनने के योग्य बने, ठीक है। तो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया, ठीक है। तो विशेषताएं क्या थी, जो ये 1773 अधिनियम था, इसमें लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो है इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या था, जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उसको सेटलमेंट करने के लिए 1781 ईस्वी का एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, ठीक है। और 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट था, ये क्या था, इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एंड कंट्रोलर्स की, ठीक है, जैसे व्यापारिक मामलों के लिए और राजनीतिक मामलों के लिए, ठीक है। चार्टर अधिनियम क्या था दोस्तों, 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन के बारे में भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई, ठीक है। 1813 का चार्टर आया फिर, ठीक है। ऐसे ऐसे भारत शासन अधिनियम क्या था हमारा, भारत शासन अधिनियम में भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया, सबसे पहला काम। और दूसरा काम क्या था, भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई थी। तीसरा क्या था, 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ था, ठीक है। चौथे में भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित कर दिया गया, ये सब भारत शासन अधिनियम की खासियत थी। और भी क्या थी, मुगल सम्राट के पद को समान कर दिया गया, ठीक है, सॉरी मुगल सम्राट के जो पद थे उनको समाप्त कर दिया गया, सीधा समाप्त कर दिया गया, और जो सत्ता थी वो ब्रिटिश मतलब कंपनी के हाथों में चली गई, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा, मतलब भारत शासन अधिनियम के द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया गया, मतलब जो भारत शासन अधिनियम था वो जो चार्टर अधिनियम था उसको भी खत्म कर दिया था, ठीक है। अब क्या हुआ था इसमें कि शासन संचालन करने के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव, मतलब सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई, ठीक है। ये क्या करता था कि वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था, ठीक है। और अब जैसे भारत के संविधान पे हम आते हैं सीधा, तो भारत का संविधान क्या है, ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, ठीक है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अब भारत का संविधान सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। तो दोस्तों, दो अलग अलग डेट है, पारित हमारा कब हुआ, 1949 को, क्योंकि 1949 को संविधान सभा की अंतिम बैठक थी और इसी में जो है संविधान के कुछ अनुच्छेदों को पारित कर दिया गया था, और 26 जनवरी 1950 को इसको पूरा प्रभावी रूप से लागू करके अपना लिया गया था, ठीक है। तो इसलिए 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ यह दिन जो है, इसी दिन को 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया, ठीक है। यह दिन जो 26 नवंबर 1949 था, जिस दिन पारित हुआ उसे हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, और जिस दिन प्रभावी हुआ उसको हम 26 जनवरी का दिन, इसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अब भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है, निर्माता इनको कहा जाता है, लेकिन दोस्तों भारतीय संविधान के प्रारूप को किसने तैयार किया था, B.N. राव ने, ठीक है, भारतीय संविधान के प्रारूप को B.N. राव, ठीक है, B.N. राव ने तैयार किया था। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये क्या है, ये जवाहरलाल नेहरू जी हैं हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, ये क्या कर रहे हैं, संविधान सभा पर, संविधान पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे संविधान सभा के अनुसार जो जवाहरलाल नेहरू थे ये 1947 में प्रधानमंत्री पद पर थे, ठीक है। और आगे हम देखते हैं कि संविधान, भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे,
है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? जुलाई 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 1946 को। कहाँ हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को ये संविधान सभा की पहली बैठक, ये देखिए ठीक है, जो यहाँ पे संविधान सभा की 1946 में बैठक हुई थी, ये कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और कहाँ हुई थी दोस्तों? तो ये जो है नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुई थी। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में। ठीक है, और भी चीज़ें अगर जानना चाहते हैं, सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य उस समय के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, अब हम देख चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान इसी के बाद दो हिस्सों में बटे थे, संविधान सभा की दो हिस्सों में बट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की। ठीक है, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। ठीक है, कितने सदस्य थे? 299। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा, हाँ तो दोस्तों जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। इसी दिन की याद में हम हर वर्ष क्या मनाते हैं? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 15 दिन का समय लगा था। ठीक है, और जब संविधान को, जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कितने भाग थे? कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है, कितने थे? 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ थीं। और आज के समय में 476 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग है। ठीक है दोस्तों, ये 22 है। ठीक है, 22 भाग है। और अब आगे बढ़ते हैं, संविधान में सरकार के संसदीय रूप से स्वरूप की व्यवस्था की गई। ठीक है, जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन हैं। हमारा जो आप लोग सभी जानते हैं राज्यसभा, राज्यों की परिषद राज्यसभा तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि उच्च सदन और निम्न सदन में दोनों का नाम बताइए, तो राज्यसभा हमारा जो है ये उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि लोकसभा उच्च सदन है, तो दोस्तों निम्न सदन हमारा लोकसभा है। संविधान की धारा 74(1) के में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने में तथा उसी सलाह देने के लिए एक रूप होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। ठीक है इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अगर किसी मंत्रिपरिषद भंग होती है तो प्रधानमंत्री भी नहीं रह जाता। ठीक है, तो सारी सत्ता राष्ट्रपति के हाथ में जाती है, तो देश का संचालन उस समय राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, जो वर्तमान में कौन है? जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद जो होता है सामूहिक रूप से लोगों के सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक उपरिषदन है जिसे विधान परिषद कहा जाता है। ठीक है, राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा तथा राज्य कार्यकारी शक्ति उसी में निहित होगी। ठीक है, मंत्रिपरिषद जो है जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा, ये राज्य के लिए है। ठीक है, राज्यपालों को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्पादन में सलाह देती है। ठीक है, कौन देता है? मंत्रिपरिषद। ठीक है, राज्य की मंत्रिपरिषद से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। संविधान की 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में संसद तथा राज्य विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित है। केंद्रीय प्रशासित भूभागों को संघ राज्य क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों भारतीय संविधान के भाग के बारे में हम देखते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग, तो भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है तथा इसमें 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहला हम देखते हैं भाग एक। भाग एक में क्या है? भाग एक में संघ और उसके कार्य क्षेत्र है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो दोस्तों भाग एक जो है हमारा संघ और उसके क्षेत्र है, और अनुच्छेद 1 से 4 तक है, संघ और उसके क्षेत्र। अनुच्छेद भाग दो में क्या है? नागरिकता के बारे में बताया गया है, और ये 5 से 11 तक है। ठीक है, भाग तीन क्या है? ये मूलभूत अधिकार होते हैं, इसमें बताया गया है, ये 12 अनुच्छेद से 35 तक है। ठीक है, अब भाग चार की तरफ जाते हैं। भाग चार में क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये जो है हमारा 36 से 51 तक है। ठीक है, अब भाग 4A। ठीक है, 4 है, 4 के बाद 4A है। अब 4A जो है हमारा, उसमें मूल कर्तव्य बताया गया है, ये अनुच्छेद 51A में है, सिर्फ 51A। ठीक है, 4A जो है वो सिर्फ 51 में है जिसमें मूल कर्तव्य बताया गया है।
भाग पाँच जो है ये संघ के बारे में है और ये 52 से 151 अनुच्छेद तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाग छः, संविधान के भाग छः में राज्य के बारे में बताया गया है, 152-237। राज्य का प्रधान मुख्यमंत्री होगा और मंत्रिपरिषद, सबके बारे में इसमें बताया गया। ठीक है, भाग सेवन क्या है, संविधान 7वां संशोधन अधिनियम, इसी में है भाग सात में, ये 1956 द्वारा निरस्त है और उन अनुच्छेद 238 में बताया गया। ठीक है, भाग आठ, संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242 तक है। ठीक है, भाग नौ में पंचायत के बारे में बताया गया है, ये 243 से 2430 है। 9A में नगर पालिका के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 243B से 243 जी तक। ठीक है, भाग 10, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, ठीक है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है भाग 10 में, अनुच्छेद 244 से 244A तक है। ठीक है, भाग 11 में क्या बताया, संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263 तक। ठीक है, अब आते हैं भाग 12। ठीक है, भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविधाएं और किसके बारे में बताया गया है, और वाद के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 264 से 301 तक है। भाग 13 में दोस्तों क्या बताया गया, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, ये अनुच्छेद 301 से 307 तक है। ठीक है, भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323 तक है। भाग 14A में क्या है, अधिकरण, ठीक है, ये अनुच्छेद जो है 323A 323B में है। ठीक है, ऐसे ऐसे भारत के संविधान जो है वो डिवाइड में है। तो अगर हम भारत के संविधान के बारे में विस्तृत तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो उसमें तो हमको बहुत सारा टाइम लग जाता है। ठीक है, बट हम एग्ज़ाम के बेसिस से अगर कुछ कुछ तथ्यों के बारे में जानना चाहेंगे तो वो हमारे लिए सरल है। ठीक है, जैसे टोटल 22 भाग हैं तो भाग 14 जो है, 14 का जो है अधिकरण है, तो 323 का में 323 खा अगर आप हिंदी में देखेंगे तो इसके जो भाग 15 आता है इसके बाद, उसमें निर्वाचन के बारे में बताया गया है और विशेषकर कुछ वर्ग के संबंध में विषय उपबंध वो 16 में आता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, जैसे भाग 15 जो है वो हमारा निर्वाचन हो गया, अनुच्छेद 324 से 329A, ठीक है, इसके बारे में। एंड भाग 16 क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध, अनुच्छेद 330 से 342 तक। ठीक है, आगे हम देखते हैं हम, और ये जो है हमारा भाग 17 में राजभाषा मतलब अनुच्छेद 343 से 351 तक बताया गया। 18 में चलते हैं, भाग 18 में आपात उपबंध, ठीक है, आपातकाल की व्यवस्था 300, उसके बारे में 352 से 60 में बताया गया। प्रकीर्ण, ठीक है, भाग 19 जो है उसमें प्रकीर्ण के बारे में बताया गया। तो दोस्तों इसमें जो है हमारा 361 से 367 तक है। ठीक है, 361 से लेके 367 तक, अगर हम इसके बारे में जानना चाहें थोड़ा तो संविधान के भाग, सॉरी, हाँ दोस्तों, तो भाग 19 क्या है, भाग 19 में प्रकीर्ण के बारे में बताया गया, 19 अनुच्छेद 361 से 367। भाग 20 क्या है, संविधान के संशोधन, अनुच्छेद, ठीक है, अब संविधान के संशोधन में भाग 20 में संविधान का संशोधन बताया गया है। ठीक है, तो आप जैसे भाग 21 में चलेंगे, अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के बारे में, 369 से लेके 392, ठीक है, अब भाग 20 में अनुच्छेद 368 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जैसे इसमें हमारा 368 आप लिख सकते हैं, 368, ठीक है, और जो भाग 22 है इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में पाठ, प्राधिकृत पाठ, अनुच्छेद 393 से 395 बताया गया। ठीक है दोस्तों, जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा जान लेते हैं, तो वेतन के बारे में आप जान लेते हैं कि वेतन कितना कितना होता है।
क्योंकि इसके बारे में बड़ी कन्फ्यूजन रहती है हम लोगों की। तो हमारे राष्ट्रपति का कितना होता है दोस्तों? तो प्रेसिडेंट का जो वेतन होता है वो होता है, प्रेसिडेंट का कितना होता है हमारे देश के प्रेसिडेंट का? 5 लाख, ठीक है, 5 लाख होता है, 5,000 मतलब 5 लाख, ये हमारे प्रेसिडेंट का वेतन है। और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट का वेतन कितना होता है? ये हम मासिक वेतन की बात कर रहे हैं, ठीक है, सालाना नहीं, मासिक, 5 लाख मासिक होता है। और इनका कितना होता है? 4 लाख, ठीक है, 4 लाख रुपये उपराष्ट्रपति का वेतन होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे लोकसभा के स्पीकर का वेतन कितना होता है? तो दोस्तों लोकसभा का स्पीकर जो होते हैं इनके वेतन भी 4 लाख होता है, ठीक है। तो ये सीरियल वाइज है, सबसे ज़्यादा वेतन प्रेसिडेंट का, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का, फिर लोकसभा के स्पीकर का, और फिर उसके बाद आते हैं हमारे राज्यपाल। तो राज्यपाल जो होते हैं उनका वेतन कितना होता है? तो राज्यपाल का वेतन हम लोग जानते हैं, तो हमारे जो राज्यपाल होते हैं उनका वेतन होता है 3,50,000, ठीक है, 3,50,000 राज्यपाल का वेतन होता है। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, तो जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका वेतन कितना होता है दोस्तों? उनका वेतन होता है 2,80,000, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे उनका हम बात कर रहे हैं, 2,80,000। और सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका कितना होता है? उनका 2,50,000 होता है, ठीक है, 2,50,000, ठीक है। और जो आगे बढ़ेंगे तो हम ऐसे जानते हैं जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जैसे जिस राज्य के उच्च न्यायालय होते हैं तो उसके जो है मुख्य न्यायाधीश का वेतन क्या होता है? वो जो है सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के वेतन के बराबर होता है, मतलब 2,50,000 ही होता है, ठीक है, 2,50,000, ये हो गया हमारा। और उसके बाद आते हैं उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, तो इनका जो है 25,000 का होता है, 2,25,000, ठीक है, ये मासिक वेतन है सबका और सीरियल वाइज है। तो उसके बाद इनके इनसे कम हमारा वेतन होता है किसका? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो हमारे भारत के सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं सेक्रेटरी, ठीक है। तो इनका जो होता है, इनका होता है 2,50,000, ठीक है, 2,50,000, ये जो है इन लोगों से 2,25,000 से तो ज़्यादा होता है, सीरियल वाइज है दोस्तों। मुख्य न्यायाधीश का बात कर रहे हैं, अगर आप वेतन के हिसाब से मैनेज करना चाहते हैं तो आप ये वाला वेतन इधर कर सकते हैं, इनका नीचे कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। तो चुनाव आयुक्त जो होते हैं हमारे, उनका वेतन कितना है? 2,50,000। तो इनके भी आप लोग लिख सकते हैं, इनका भी होता है 2,50,000, ठीक है, 2,50,000, ठीक है, ठीक, 2,50,000। अब महान्यायवादी, महान्यायवादी का वेतन भी हमारा 2,50,000 होता है। तो दोस्तों आप जान सकते हैं कि 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000, ठीक है। सबसे कम वेतन किसका होता है? उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का। ये सब महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं जिनका वेतन हम आपसे डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों इन सब के बारे में जो है भारत के संविधान में हमारे बताया गया है, ठीक है। अगर दोस्तों ये सब जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमेशा सबसे पहले अपडेट मिल जाया करें, ठीक है। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से अब IPC और CRPC आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।